गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ इलेवन पे मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोला था कि अगर क्वाइल कहीं कट जाए, क्वाइल जला ना हो, पर एक क्वाइल कहीं कट जाए तो उसको कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा क्वाइल कटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाइए। ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाइए। अगर मल्टीमीटर ऑपरेट करने में आपको दिक्कत होता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है मल्टीमीटर कैसे ऑपरेट करें। उसके बाद देखिए, आपको पता है रेड वाला जो है वो कॉमन होता है, तो आप रेड वाले पे एक प्रॉब रख दीजिए मीटर का। उसके बाद देखिए, ग्रीन वाले पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ब्लैक वाले पर रीडिंग मिल रही है आपको। ठीक है, मतलब एक क्वाइल ठीक है आपका, दूसरा क्वाइल जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको तो ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि भाई ये क्वाइल ठीक है कि ये क्वाइल ठीक है। ठीक है, मतलब ग्रीन वाला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन वाला कटा हुआ है, ब्लैक वाला ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, थोड़ा सा पता करिए कि ब्लैक वाला कौन सा है। हल्का सा आप इसे यहाँ से मूव करिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूव करिए। रेड वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, रेड वाले में, क्योंकि रेड दोनों क्वाइल से कॉमन वायर जो निकलता है वो होता, तो ये जो है ये कॉमन वायर है। देखिए आप गौर से, एक इधर से गया हुआ है अंदर, ये क्यू वाला वायर है जो इस क्वाइल से आया है, और दूसरा इस क्वाइल से, यानी ये तो रेड हो गया। ठीक है, ये रेड हो गया, और आपको देखना है कि ब्लैक इसमें कॉर्नर है। थोड़ा सा इसको आप यहाँ लगाइए, इसको बाहर तरफ खींचिए। ठीक है, बाहर तरफ थोड़ा सा आप जैसे खींचेंगे ऐसा आपको दिख जाएगा यहां से कि कौन सा आपको ब्लैक है। इतना भी नहीं करना चाहते आप तो उसके लिए मैं एक आसान उपाय बता देता हूँ। ठीक है, ग्रीन वाले पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। ठीक है, गौर से समझिएगा, आप यहाँ तुरंत खींच के पता कर सकते हैं भाई ब्लैक किसका है, इसका है या इसका है। अगर आपको उतना नहीं करना है तो सबसे आसान उपाय मैं बताता हूँ, ग्रीन। ठीक है, आपको जैसे ये पता चल गया कि रेड वाला ये है, ये यहाँ और यहाँ दोनों में गया, रेड हो गया, इस दोनों में से कोई एक ग्रीन है। तो देखिए, इस क्वाइल से निकला हुआ है, आप देख पा रहे हैं इस क्वाइल से निकला हुआ है। ठीक है, ये तार इस क्वाइल से निकला हुआ था। आप क्या करिए, हल्का सा स्केच, ध्यान रहे कटे नहीं, थोड़ा सा स्केच सिर्फ। ठीक है, ठीक है, स्केच देख पा रहे हैं आप, स्केच थोड़ा सा हो गया है, तो आप यहाँ पे रखिए जहाँ पे आपने स्केच किया, उसको दोनों पर टच करिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं और यहाँ पे देखिए, हो गया, क्लियर हो गया इससे कि भाई ये जो है ग्रीन वाला है और ग्रीन वाला ही कटा हुआ है। इससे ये साफ हो गया कि आपका जो बाहर वाला वाइंडिंग है ये कटा हुआ है। ठीक है, तो ब्लैक वाले को मैं अलग करता हूँ, क्लियर। अब देखिए आपको फाइंड कैसे करना है। ठीक है, अगर आपका ये तेज है, ज़्यादा नुकीला है, तब तो आप ऐसे ही आप इसको दबा के कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही करके कर सकते हैं, लेकिन ये उतना नुकीला नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वाइल को थोड़ा थोड़ा स्क्रीच करना है। ठीक है, हल्का, ध्यान रहे क्वाइल कटे नहीं, एकदम हल्का, एकदम हल्का, जैसे देखिए खाली उसके ऊपर का पॉलिश हटा देना है। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हटा दीजिए, काफ़ी है, काफ़ी है। ठीक है, इसी तरह करके आपको सबको हटाना है, या फिर आप देख सकते हैं कुछ दूर पे, सबसे पहले तो आप देख के ही पता कर सकते हैं कि कोई तार कटा है कि नहीं कटा है, लेकिन उतना मुश्किल है, कभी कभी नहीं दिखता है, कभी कभी तो सामने दिख जाए। क्या होता है, आप खोलते हैं, खोल के फिर बैठाते समय गलती से तार कट जाता है। ठीक है, अब सब स्क्रेच हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, रेड वायर पर कनेक्ट करिए, रेड वाला ये है। ठीक है, ये रेड है क्योंकि ये इसी से दोनों में गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो हुआ रेड वाला, देखिए यहाँ मिल रहा है आपको। ठीक है, अब इसी तरह आप बढ़ते जाइए। ठीक है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, मतलब यहाँ तक ठीक है, ये तीन क्वाइल ठीक है, कहीं नहीं कटा है। चौथे पे आइए, यहाँ भी मिल रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि तार की लंबाई बढ़ रही है। यहाँ भी ठीक है, और देखिए यहाँ भी ठीक है, और यहाँ ठीक नहीं है, मतलब यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था, इससे आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इससे आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी के आसपास गड़बड़ है। ठीक है, अब इसी के आसपास गड़बड़ है। ठीक है, उल्टा देख लीजिए, उल्टा मतलब ग्रीन वाले आवाज पर। ठीक है, जैसे आपको पता था ये ग्रीन वाला, मैंने कैसे चेक किया इसको, आप देखें ये ग्रीन है, अब यहाँ से आप उल्टा आइए, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है,
मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप बढ़ते जाइए जहाँ तक मिल रहा है कंटिन्यूटी, जहाँ तक कंटिन्यूटी मिलते रहा, यहाँ भी ठीक रहा है, मिल रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे मिला और यहाँ आने पे नहीं मिला, ठीक है, यहाँ आने पे नहीं मिला। तो इधर से आप आ रहे हैं तो यहाँ तक आ रहा है, इधर से आ रहे हैं तो यहाँ तक आ रहा है, मतलब इसी दोनों क्वाल के आसपास कोई ना कोई तार कटा हुआ है, ठीक है। रेड वाले से चेक कर रहे थे आप तो यहाँ तक आ रहा था, ठीक है, यहाँ तक आया था, और ग्रीन वाले से चेक कर रहे हैं तो यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब इस क्वाल से इस क्वाल को कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं कोई तार टूटा हुआ है, जिसके कारण आपको दिक्कत हो रहा है। तो आप बस इसी क्वाल के आसपास आपको गौर से देखना है, ठीक है, पूरा गौर से देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, जैसे इस क्वाल के आसपास दिक्कत था, ठीक है, तो मैं पता करना होगा। देखिए ये सब तार लूज है, ठीक है, देखिए ये वाला जो तार है, देखिए यहीं पे कटा हुआ है, पहला ये निकला। अब इसका दूसरा इंड आपको फाइंड करना है, ये हुआ, यहाँ पे दो इंड है, ठीक है, ये दो इंड जो है कटा हुआ है। ये क्या हुआ है, लग रहा है कोई खोला है, बैठाते समय ध्यान नहीं दिया, क्या वो तार दब के इधर आ जाता है और बैठाते समय इसी से लग के कट जाता है, ठीक है। तो आप जब भी किसी भी काम के लिए खोले, जैसे बैरिंग क्लीन करना है, बैरिंग बदलना है, ये सब काम के लिए अगर आप खोल रहे हैं, ठीक है, तो आप इतना ध्यान दें कि ये बैठाते समय तार ना दबे, कोई भी तार दबेगा तो ये टूटना है। आपको क्या करना चाहिए, क्वाइल रिवाइंड करने के बाद इसको बांध दीजिए। मैं क्वाइल रिवाइंड करने का जो वीडियो दिया उसमें मैं बताया हूँ कि इसको कैसे बांधते हैं, कोई भी धागा से जैसी तरह बांधा गया इसी तरह आप उसको भी बांध सकते हैं, पहला चीज। उसके बाद दूसरा चीज, आपको बार्निश डालना, लेकिन इसमें बिल्कुल बार्निश नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तीसरा चीज आपको क्या करना है, कॉपर वायर यूज करना है, इसमें एल्युमिनियम डाला हुआ है, ठीक है, ये किसी अच्छी कंपनी का फैन नहीं है शायद, इसलिए इसने एल्युमिनियम का यूज किया है। जब भी आप खुद से कीजिए तो कॉपर का तार यूज कीजिए, एल्युमिनियम का नहीं, ठीक है। अब देखिए आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये दो लेग आपको दिख रहा है, आप चाहो तो इसको, इतना बड़ा है तो मैं यहाँ ट्विस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो क्या करना होता, अगर ये बड़ा नहीं होता तो दूसरा तार जोड़ना पड़ता, ठीक है। बस इतना ही ट्विस्ट कीजिए, पूरा ट्विस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी इसको पॉलिश हटाना है जला के या स्क्रेच करके, ठीक है। देखिए मैं इसको जला के क्लीन करता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पॉलिश हट जाने के बाद हल्का हल्का पॉलिश को आप ब्लेड से भी स्क्रेच कर दीजिए, अब आसानी से स्क्रेच हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रेच आसानी से हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो एक स्लीप भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, स्क्रेच हो गया, एक छोटा सा स्लीप मैं लगाऊंगा, स्लीप का नंबर एक नंबर होगा, स्लीप थोड़ा सा ज्यादा बहुत बड़ा मत लीजिए, इसको पहले एक साइड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अच्छे से इसको, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, ये दोनों क्लीन होने के बाद देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए, रेड वाला पे रखने के बाद एक साइड से रेड का बताएगा और एक साइड से, यहाँ पे देखिए एक साइड से रेड बता रहा है, इसका मतलब यहां तक रेड वाला सप्लाई पहुंच रहा है और ग्रीन वाला यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रीन यहां नहीं पहुंचेगा और रेड यहां नहीं पहुंचेगा। अब इस दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो सप्लाई यहां, देखिए अभी नहीं मिल रही है, कोई सप्लाई नहीं मिल रही, मतलब यही क्वाल कटा है बीच में। अब मैं जैसे इसको जोड़ूंगा तो दोनों जगह सप्लाई मिलने लगेगी और आपका क्वाइल बिल्कुल फिर से वर्किंग कंडीशन में चलाएगा। एल्युमिनियम है इसलिए आप केयर से ट्विस्ट करें, बहुत ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे तो यह टूट जाएगा, फिर उसके बाद आपको तार अलग से जोड़ना पड़ेगा। इतना एक्स्ट्रा इसको कट कर दीजिए, कोशिश कर रही है सोल्डिंग हो जाए, लेकिन एल्युमिनियम पे उतना बेहतर सोल्डिंग नहीं होता, कॉपर पे बहुत आसानी से सोल्डिंग हो जाता है, फिर भी थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए। अगर इस तरह नहीं होता है तो इसके लिए एकदम आसान उपाय मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। इस तरह छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी एक तार लीजिए, कोई भी, उसको आप छील लीजिए, ठीक है, छील के इसके ऊपर हल्का सा लपेट दीजिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, हल्का सा लपेटिए। अब आप इस पर आसानी से सोल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर का लीजिएगा, फिर से एल्युमिनियम मत लीजिएगा, देखिए बिल्कुल अच्छे से आप देख पा रहे हैं सोल्डिंग हो गया।
अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर दीजिए, एक यहाँ से ध्यान रहे जो बार जो लगा गया वो कटे, क्वाइल फिर से ना कटे, हो गया। अब इसको आप यहाँ पे स्लाइड कर दीजिए, ठीक है, जहाँ पे ज्वाइंट है उसको वहीं पे ला दीजिए, ठीक है। जब इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो भी है मतलब तार देख पा रहे हैं आप ऊपर तरफ चला गया, ये जो तार इसको आप थोड़ा थोड़ा नीचे खींच दीजिए, ठीक है, इसको इधर कर दीजिए। और आप जब भी बैठाइए इस सबको अंदर दाब के बैठाइए, क्योंकि ये क्वाल बांधा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर संभव है तो आप इसको बांध दीजिए, बार्निश तेल डाल दीजिए ताकि ये प्रॉपर हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। वाले तो ब्लैक वाले में आ रहा था, अब देखिए ग्रीन वाले में भी आ रहा है, ठीक है। और दूसरा काम आप जरूर करें, इसको बॉडी से करें, ये कॉमन वाले पे रख के बॉडी से चेक करें, क्योंकि बॉडी में कहीं नहीं ना रहा है। बॉडी में आए तो आप पता करें कहाँ से बॉडी में आ रहा है, जहां भी पता चले उस तरह वहां पे इंसुलेटर पेपर लगा के बार्निश डाल दें, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बॉडी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, अब मैं इसको असेंबल करके भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप काम करते तो आपको पता चल गया होगा क्वाइल आपका पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है, क्वाइल में दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत दोस्त बोलते हैं कि भाई पूरा करके दिखाने के लिए, तो मैं इसलिए आपको इसको फिर मतलब असेंबल करके फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं वही क्वाइल है, इस क्वाइल को आप थोड़ा नीचे डाल दीजिए अंदर, ठीक है, अंदर डाल दीजिए। अब उसके बाद आप इसको अच्छे से बैठाइए, देख लीजिए, जब ये अच्छे से बैठ जाए, प्रॉपर रोटेट करने लगे, फ्री रोटेट करने लगे, तब आपको क्या करना है, ये जो रेड वाला कॉमन वायर था उसमें आपको सप्लाई दे देना है, ठीक है। एक सप्लाई यहाँ दे देना है और बाकी जो दो वायर है ये दोनों पे कैपेसिटर दे देना है, ठीक है, दोनों पे कैपेसिटर दे देना है। उसके बाद दूसरा जो बच रहा है उसको आप यहाँ दीजिए या यहाँ दीजिए, जहां पे देने से आपका फैन सही दिशा में, ठीक है, रोटेट करे आप वहीं पे दे दीजिए। मैं यहाँ पे देख आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे ठीक रोटेट करे तो आप यहाँ पे दीजिए, अगर उल्टा रोटेट करेगा तो इसको पलट दीजिए आप। पलटने का मतलब है कि सिर्फ यही वाला वायर उठा के यहाँ देना होगा, ठीक है। और दूसरा तरीके से आप कर सकते हैं रेजिस्टेंस चेक कर दीजिए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां दे दीजिए, नॉर्मली ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया, देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, आप सुरक्षित करें, ये आपके बॉडी में नहीं टच करें, केयर से करें, कोशिश करें आप टेप या स्लीप लगा दें। मैं चेक कर रहा हूँ थोड़े देर बाद, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मूव कर रहा है फैन, अच्छे से रोटेट कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मेरे चैनल पर जुड़े रहते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको घरेलू सभी डिवाइस को बनाने का तरीका पता चल जाएगा। मैं घरेलू डिवाइस पर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ और आसान से आसान वीडियो डालता हूँ, ताकि आप सबको वीडियो देखने के बाद फायदा हो, आप सबका समय बेकार न जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।